यासिर भट्ट और आप देख रहे हैं जसशील भट्ट यासिर भट्ट के साथ। आज हम जा रहे हैं गाइस मंडी और आज हम जानवर लेंगे, दो जानवर हैं ये देखें हमारे दोस्त, मैं आपको दिखाऊंगा। याया भाई भी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ और भी दोस्त हैं, जरा दिखाए और एक व्यू बना ले पीछे से, जरा ये नहीं हाँ दिखाओ दिखाओ ये अजय, ये कौन भाई, इनका भाई का इंट्रोड्यूस करवाया ना जरा। अच्छा भाई, तो ये गाइस हम सारे मिलके जा रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं अंचोली, अंचोली नहीं बहुत करीब है उसके, क्या नाम है, कौन सी जगह भाई, वाटर पंप, भाई साहब वाटर पंप पहुंच चुके हैं और ये हम पुल पर हैं, पुल पर जरा ट्रैफिक जाम है, काफ़ी देर में हम पहुँचेंगे, जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर रुक जाएंगे, एक टाइम लैप्स आपको दिखा देते हैं, साथ रहिएगा और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से देख रहे हैं मेरे दोस्त लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, देखते रहिएगा। बाय बाय जी गाइस, हम लोग आ गए हैं गाइस मंडी में और अब हम शुरू करने लगे हैं, आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे जब हम बार्गेनिंग करेंगे और कोशिश करेंगे दो जानवर ले लें, भाई भी हमारे साथ हैं और हम भी हैं, तो कोशिश करेंगे इसी गाड़ी में दोबारा जाएँ, साथ रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिए गाइस। हम घूम घूम के थक चुके हैं और लेकिन सौदा हमारा नहीं बन रहा है और एक बछिया मुझे पसंद आई थी लेकिन मुझे बछिया लेनी नहीं है क्योंकि वो रॉकेट थी, तो रेट भी बन गया था तकरीबन, चलें दो सौदे बने भाइयों के और माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी बछियाँ हैं दोनों, ये आपको मैं दिखाऊं, ये 90,000 रुपये का लिया है माशाल्लाह से, 90,000 रुपये का, 90,000 रुपये का भाई माशाल्लाह, बिल्कुल गरीब बछिया है, ये देखें मम्मा ये है, काबन नहीं है, लोग डरते हैं, मैं खास तौर पर डरता हूँ कि भाई रॉकेट नहीं होना चाहिए, तो ये भाई ने लिए, क्या नाम है भाई आपका, अब्दुल रहमान भाई ने लिए, मुबारक अब्दुल रहमान भाई, ज़बरदस्त आए भाई, ये हमारे एक छोटे दोस्त हैं, क्या नाम है, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इसहाक, ये हमारे छोटे से दोस्त हैं, इन्होंने माशाल्लाह एक बछिया लिए, आए इनको देखते हैं, ये डबल कलर में, इसको क्या बोलते हैं भाई, काबली है, चितकबरी, चितकबरी भाई भाई माशाल्लाह, ये भी भैया यहाँ पे आ जाओ, हाँ मुझे बताएं आपको पसंद आ गई है, 85 माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर है भाई आपका, ये भाई देखें ये दो सौदे हुए हैं, ये भी कितने के लिए आपने, 85 ये भाई 85 की है और ये 90 की है, आप देख लें, और ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है दोस्त आपका, हबीबुल्ला है, इनसे दो जानवर हुए हैं और अभी दो जानवर मेरे और दो दोस्त लेके गए हैं, वो 80,000 रुपये का जानवर लेके गए हैं, बेहतरीन, मैं भी एक देख रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दिखाएँ भाई, ये जानवर है, ज़रा करीब से इसका शॉट ले लें, बस बस, अच्छा गाइस ये जानवर है जो मुझे पसंद आया है और मैंने इसके पैसे लगा दिए जो मुझे मेरी जेब में थे, तो थोड़ी मोल भाव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस पर अगर कुछ गुंजाइश हो जाए, भाई अगर कुछ गुंजाइश कर देते हैं तो इंशाल्लाह ये जानवर मैं लेके जाऊँगा और कोशिश है मेरी कि भाई से है ना, चलें ज़रा भाई से भी कर लें हो जाए, और आप लोग भी आएँ, क्या नाम है भाई आप, हबीबुल्ला, कौन सा ब्लॉग है, 10 नंबर ब्लॉग पे हबीबुल्ला भाई हैं माशाल्लाह, ये सौदा बहुत अच्छा मुनासिब रेट पे दे रहे हैं और माशाल्लाह मेरे सामने हमने 5 जानवर भेज चुके हैं और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं भी जानवर यहीं से लेके जाऊंगा, तो बने रहिएगा, देखते रहिए और इंशाल्लाह ये सौदा हुआ तो मैं आपको आगे दिखाऊँगा, और हम रानी गेटल पर आएँ और ये दो बछड़े माशाल्लाह दोनों ऐसे हैं और बहुत प्यारे और देख सकते हैं माशाल्लाह, हम इससे इनके ऑनर से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है और किस फसल के हैं और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है, मुजम्मिल भाई है हमारे साथ, मुजम्मिल भाई बताएं कौन सी फसल है, सोलिस्तानी बच्चे, सोलिस्तानी बच्चे, और माशाल्लाह क्या मांग रहे हैं, 14 होगा लेकिन एक बच्चा 14 मन का होगा, एक बच्चा 10 मन का, माशाल्लाह एक 14 और एक 15-10 मन का है, बहुत बहुत प्यारे हैं, और कोई छोटे जानवर है वो बच्चे कितने के, बच्चे है ना वो, हाँ 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये की गाय, उसको भी देख लेते हैं, नहीं वो बिका वो बिक चुका है और ये माशाल्लाह 1,80,000 रुपये की बच्ची है माशाल्लाह, और आप देख सकते हैं बिल्कुल घर के भले हुए बच्चे हैं गाइस, आप आ सकते हैं, बहुत अच्छे जानवर इनके पास अभी मौजूद है और साफ सुथरा फॉर्म है, साफ सुथरे जानवर रखे हैं, तो बने रहिएगा, मैं आपको और भी जानवर दिखा रहा हूँ और भी कैटल फॉर्म के दिखाऊंगा, साथ चलते हैं, चलें
तो फाइनली मैं गाय ले आया हूँ। लाइक गाइस सौदा हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ गाइस। इस तरह की मंडी मैंने जो है वो पहले कभी नहीं देखी। सो बहुत बहुत मुश्किल रहा सौदा और बहुत थकान हो गई, इसलिए मैं आपको बार्गेनिंग नहीं दिखा पाया और ये भी नहीं दिखा पाया कि क्या नाम है वो कितने जो है वो डिमांड कर रहा था, कैसे हमारी बार्गेनिंग हुई। बहुत खतरनाक माहौल था और मेरी तो बस हो गई थी, ढाई दिन बच चुके थे और हम मेरा अंदाज़ा था कि मैं 10 बजे तक लेके आ जाऊँगा जानवर, लेकिन मेरे अंदाजे गलत साबित हुए और बहुत ही इस बार की मंडी बहुत खतरनाक थी, उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक थी, वरना मैं बहुत सौदा करके ले आ रहा हूँ। एनी वेज तो फाइनली आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिया है। चले पहले देख लेते हैं फिर बात करेंगे। भाई माशाल्लाह ये जानवर है हमारा 80,000 रुपये का वजन ये लिया है, चेक करें। ब्लैक कोबरा इसका नाम रखा है मैंने, गर्दन भी उठाई हुई है। कैसा है भाइयों आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। ये पेट पीछे से थोड़ा सुखड़ा है, ये देखें भाई कोई पता लग गया वीडियो बन रही है और बहुत शरीफ जानवर है जी गाइस। तो ये बन गया है ये छोटा और 80,000 रुपये में। आई होप कि नज़र आ रहा होगा आपको। कैसे हैं गाइस, ये देखें ये बछड़ा है, ये हमने लिया है, ये हमारा बछड़ा है। बछड़ा ये देखें वीडियो यस लेकिन इसकी आंखें नहीं डरो कुछ नहीं कहता अभी बाबा ने भाई जफ्फी डाली थी ना इसको। हाँ इधर से आ जाओ, इधर इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो जी गाइस। कैसा लगा आपको? ये था गाइस 80,000 रुपये का जानवर, 120,000 रुपये भाई ने मांगे थे और ये उसी बंदे से लिया है जो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ब्राउन वाला मैं आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जिससे मैं कमेंट कर रहा था कि मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर रहा था कि ये मैं लूँ ले सकता हूँ जो मुझे पसंद आया हुआ है। उसी के पास ये दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो ये वो लेता या ये वाला लेता। ये थोड़ा वजन में थोड़ा ज़्यादा था और मैं इन पर वजित था कि 70,000 से 75,000 रुपये में अगर ये मुझे मिल जाए तो बेहतरीन सौदा मेरा बन जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। मैंने उसके बाद ये जानवर छोड़ने के बाद मैं आगे गया हूँ और तकरीबन 1 से 2 घंटे मैंने आगे सर्च करके जब मुझे आइडिया हो गया कि भाई वो जो 85,000 रुपये मांग रहा है इसके बेसिकली 85,000 उसने फाइनल मुझे किए थे इसके या फिर वो ब्राउन वाले के, सो मुझे फिर वापस आना पड़ा। और क्योंकि वो हमें घर आने का वापस बना मेरा माइंड नहीं था, मैं तो इसको भी महंगा समझ रहा था। मैं समझ रहा था कि हम इसको मंडे को आके फिर कुछ बार्गेनिंग करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे सौदा लेने की, लेकिन फिर वापसी आना एक बड़ी फुनकारी थी कि वहाँ से शराबपोर्ट से वापस कैसे आया जाए। तो फाइनली मैंने सोचा कि चले थोड़ी रेंज बढ़ाई जाए और इस सौदे को फाइनल किया जाए, क्योंकि जो रेट चल रहे थे 120 से नीचे कोई भी चाहे वो झाकड़ भी खड़ा हुआ था ना तो भी उनकी डिमांड 1 से ऊपर से शुरू होती थी और वो फाइनल 80, 85, 86, 90 इस तरह में ख़त्म करते थे। 80 से नीचे तो सोच नहीं सकते थे कि अगर आपको थोड़ा 2-2.5 मन का जानवर चाहिए तो आप 80 से नीचे नहीं जा सकते थे। मतलब ये हमारे पास बाउंड्री में नज़र आ गई थी 80, 85, 90 इसमें आपको सौदा मिलने वाला है 2-2.5 मन का। सो फाइनली सौदा हो गया और अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और काटने का मरहला भी बाकी है, खाना पिलाना चल रहा है, चलेगा भी। सो थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जो मेरे दोस्त हैं करा रहे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों को इसी तरह बताते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त यासिर भट्ट और आप देख रहे हैं यासिर भट्ट। बाय बाय। इधर आओ ना, चलो पारी करो, आगे जाओ, कुछ नहीं कहती आपकी गायें, इधर भी तो देखो थोड़ा और आगे से गर्दन पे नीचे प्यार करो, कुछ नहीं बोलती तो भाई सिर्फ आपको देख रही है। हाँ भाई मार ले लिया आपने, प्यारा है आपको देख रहा है।
इधर देखा भाई, माँ आपको देख रहा है। हाँ भाई मज़ा आया। चलो भाई।